स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मेडी फ्रेंड्स में। मैं हूं अखिल और आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन के बारे में। न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसे आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, साथ ही इसको बनाने के लिए किस कंपोजिशन का यूज किया गया है। तो न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन के बारे में विस्तार से जानने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहे। तो आइए अब हम जानते हैं न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन को किस कंपोजिशन के माध्यम से बनाया गया है। इसमें जो कंपोजिशन है वो मिथाइकोबालामिन जो 1500 mcg में होता है, नियासिनामाइड जो 100 mg में होता है, विटामिन B6 यानी पाइरिडॉक्सिन जो 100 mg में होता है। बात करूँगा इसके बेनिफिट्स की। तो जब भी किसी को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगे, नब्स वगैरह में दर्द रहे, शरीर थका थका सा महसूस करे, घुटने वगैरह में दर्द रहे, या पैरालाइज की शिकायत हो, या मुंह में छाला हो रहा हो, पेट में गर्मियाँ महसूस हो, तो उस सभी कंडीशन में आप न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इन कंडीशन के लिए न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन एक मल्टी विटामिन इंजेक्शन है जिसका मुख्य काम है आपके शरीर में होने वाले सभी प्रकार के कमजोरियों को दूर करना, आपके नब्स को मजबूत करना, आपके वेनस को मजबूत करना। साथ ही अगर नब्स वगैरह में कोई गांठ बन जाता है, नब्स वगैरह में कोई दिक्कत रहता है तो उसको भी ये दूर करता है। इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की माध्यम जो है जो आपके शरीर में आपके मुंह में जो पेट के गर्मियों की वजह से अगर छाला हो रहा हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब भी आप लोगों को इस प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी होता है जिसमें आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आता है, थकावट महसूस होता है, शरीर में दर्द रहता है, वीकनेस फील होता है, तो उस कंडीशन में आप न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद होगा। बात करें इसके डोजेज के, तो अगर आपके बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है तो आप अल्टरनेटिव डे में लगा सकते हैं। जैसे आज लगा रहे हैं तो कल नहीं परसों लगा लीजिए और इससे 4 से 5 इंजेक्शन लगाइए, आपके शरीर में ताकत आने में बहुत मदद करेगा। साथ ही ये IV और IM के माध्यम से यूज होता है। अगर बात करूँ IV की तो इंट्रावेनस और IM यानी इंट्रा मस्कुलर, यानी कि आप इसे नस में भी लगा सकते हैं, साथ ही मसल में भी लगा सकते हैं, या फिर अगर कोई फ्लूड चल रहा है, अगर जब कभी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है तो उस कंडीशन में फ्लूड भी चढ़ाया जाता है, तो आप फ्लूड के माध्यम से भी इसे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक होता होगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।